बॉलीवुड में जिस तरीके से ड्रग्स अब तबाही मचा रही है, ठीक उसी तरीके से अब टीवी इंडस्ट्री में भी ड्रग्स कनेक्शन सामने आ चुका है। जी हाँ, बॉलीवुड को लेकर तो सभी लोगों ने कहा कि बॉलीवुड में ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स माफिया नहीं है, लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं। यहाँ तक कि जया बच्चन ने संसद में कहा कि जिस थाली में लोग खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। कहीं ना कहीं वो ड्रग्स गैंग को बचाने की कोशिश करते हुए जया बच्चन नज़र आई, और अब पूरा का पूरा बॉलीवुड ड्रग्स के कैटेगरी में खड़ा है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, नर्मदा सिलोटकर के साथ साथ दीपिका पादुकोण के बिजनेस मैनेजर करिश्मा शाह का नाम जब सामने आया तब सारे लोग चुप हो गए। और अब ये कनेक्शन, जो ड्रग्स कनेक्शन है, वो जा पहुंच चुका है टीवी इंडस्ट्री में, यानी कि छोटे पर्दे पर। बड़े पर्दे से गेम शुरू होकर अब छोटे पर्दे पर, यानी कि घर घर की कहानी में जा चुकी है। जी हाँ, टीवी इंडस्ट्री के दो स्टार अभिगल पांडे और सनम जौहर को एनसीबी ने कर लिया है तलब, यानी कि बुला लिया है ऑफिस पर और उनसे की जा रही है कड़ी पूछताछ। जी हाँ, आखिरकार क्या है मामला, किस तरीके से इन दो टीवी जो स्टार हैं इनका नाम आया, तो आपको बता दें कि अनुज केसवानी को जब पूछताछ के लिए, वो एक्चुअली अरेस्ट है अनुज केसवानी, जब अनुज केसवानी से पूछताछ किया गया है तब इनके नाम सामने आए हैं। यानी कि कई सारे नाम हैं जो चेहरे हैं, जो नकाबपोश चेहरे हैं, जो कहीं ना कहीं ड्रग्स के धंधे में लीन थे, कहीं ना कहीं ये खुलासे अनुज केसवानी की तरफ से किया गया है। जी हाँ, जिस तरीके से सीबीआई ने करीब 18 लोगों से ज़्यादा को गिरफ्तार किया गया है और अब तक करीब 8 से 10 लोगों से एनसीबी ने सम्मन भेज के पूछताछ किया है, और अब दो टीवी स्टार अभिगल पांडे और सनम जौहर के को पूछताछ के लिए एनसीबी दफ्तर बुलाया गया है और उनसे पूछताछ किया जा रहा है। अब देखना है कि जो ये टीवी एक्ट्रेस है, एक्टर है, इनसे क्या क्या खुलासे करवा पाती है एनसीबी, किस तरीके का नया जो चेहरा है, जो नया चेहरा है ड्रग्स में, जो लिप्त चेहरे हैं, वो कौन कौन से चेहरे नए सामने आते हैं, और कहीं ना कहीं अब टीवी इंडस्ट्री पर गाज गिरने वाला है ड्रग्स का, तो अब हो जाइए और मसालेदार खबर के लिए तैयार, क्योंकि अब टीवी इंडस्ट्री में मचने वाला है काफ़ी ज़्यादा भूकंप। बॉलीवुड में पहले ही मचा चुका है भूकंप, अब है टीवी इंडस्ट्री की बारी। क्या कह रहे हैं टीवी इंडस्ट्री के नए दो चेहरे जो ड्रग्स में लिप्त होने का नाम सामने आया, उसके बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।